करेंगे। अनाज मंडी नूह में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए आज प्रचार करने पहुंच रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। जैसा कि इससे पहले भी बताया गया था कि 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम जाएगा और उससे ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। स्टार प्रचारकों का भी आज जमावड़ा हरियाणा में रहने वाला है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे तो मेवात के महत्वपूर्ण इलाके, महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र नूह में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है नूह और वहां पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रचार करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो नूह में अनाज मंडी में आज राहुल गांधी जनसभा करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में पूरा दमखम लगा रही है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। ऐसे में पूरा दमखम लगाया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा और कासिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी कासिम, बताएं नूह में आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, अनाज मंडी में जनसभा करेंगे, कितने बजे ये जनसभा होनी है और किस तरह की तैयारियां? देखिए, जहां तक राहुल गांधी की रैली की बात है तो राहुल गांधी आज दक्षिणी हरियाणा में दो बड़ी रैलियों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। पहली रैली अनाज मंडी नूह में तकरीबन 11:30 बजे होगी। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान भी उनके साथ होंगे और उसके बाद दोपहर बाद वो महेंद्रगढ़ में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जहां तक तैयारियों की बात है तो तैयारियां यहां पर पूरी हैं, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला नूह की धरती से करने वाले हैं। एक माहौल हरियाणा में कांग्रेस के लिए वो बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नूह में अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजों की हम बात कर लें या पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें। नूह जिले में 3 सीटें आती है और तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। नूह से आफ्ताब अहमद है, मामन खान इंजीनियर फरोजपुर जिरका से हैं और मोहम्मद इलियास पुराना से हैं। पार्टी ने फिर से तीनों पर भरोसा जताया है, तीनों चुनावी मैदान में हैं, तीनों आज मंच पर दिखाई पड़ेंगे और राहुल गांधी उनके लिए वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल कासिम, आज देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी अपने संबोधन में क्या कहते हैं और नूह की तीनों विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि नूह का इतिहास ऐसा रहा है कि आज तक यहाँ पर कोई भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया है और अब देखना होगा कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर किस तरह से सफल बना भी पाती है या नहीं। ये जंग अपने आप में बेहद कांटे की नजर आ रही है। कासिम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी नूह की अनाज मंडी में आज जनसभा करेंगे और इसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं।